सेल्स से मुझे फिर टर्म्स पढ़ाए थे, तो सेल से मुझे फिर टर्म्स, हमने 5 टर्म्स बताए थे, सेल का डीएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट तो अब हमारे बचे हैं सेल की कैपेसिटी, और नेक्स्ट आएगा सेल की इफिशियंसी, है ना। तो सेल की कैपेसिटी क्या रहेगी, है ना। तो सेल की कैपेसिटी, तो जैसे हम सेल को चार्ज करते हैं, फुली चार्ज करते हैं ना, कंप्लीटली उसको चार्ज कर देते हैं, तो कंप्लीटली चार्ज सेल में, अगर मान लो हमने बोला कि इतने चार्ज, 5 कूलम चार्ज उसमें स्टोर हो जाता है फुली चार्ज करने पर, ठीक है। फुली चार्ज करने पर उसमें 5 कूलम चार्ज स्टोर हो सकता है, तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, ठीक। इसी को हम उसकी क्या बोलेंगे, कैपेसिटी बोलेंगे। मतलब कैपेसिटी ऑफ ए सेल किससे बताई जाती है, उसमें स्टोर होने वाला मैक्सिमम चार्ज, है ना, जब हम उसको क्या कर दें, फुली चार्ज कर, ठीक है। तो डेफिनेशन उसकी क्या बन जाएगी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, स्टोर इन ए फुली चार्ज सेल इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी, ओके। मतलब डेफिनेशन सिंपल सी है, फोन चार्ज करने को तो जितना चार्ज हो जाएगा, जितना चार्ज स्टोर करेगा, उसी को उसकी कैपेसिटी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अब हम उसकी यूनिट देख रहे हैं, है ना, ऐसा ही, ठीक है, यूनिट, ठीक। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, है ना, इसकी यूनिट होती है एम्पेयर पावर, ठीक है। मतलब बैटरी की कैपेसिटी, सेल की कैपेसिटी, हम इसमें मेजर करते हैं एम्पेयर आवर, ठीक है। अब एम्पेयर आवर कितना होगा, है ना, जैसे 1 एम्पेयर आवर कितना रहेगा, तो 1 एम्पेयर आवर का मीनिंग रहेगा जो कि, ठीक है, 1 एम्पेयर करंट, है ना, कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए, ठीक है। मतलब अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि किसी सेल की, किसी बैटरी की कैपेसिटी 1 एम्पेयर आवर है, तो इसका मतलब क्या है कि उस बैटरी से, उस सेल से हम 1 एम्पियर करंट कितने टाइम तक, 1 आवर तक ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। मतलब कितनी करंट वो एक टाइम तक, 1 घंटे तक देगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। या फिर, ठीक है, सेल को यूज करने का तरीका देखो, तो सही तरीका, मतलब 1 एम्पियर आवर की वैल्यू तो हमको समझ में आ गई, डेफिनेशन तो समझ में आ गई, मतलब 1 एम्पियर करंट कितने टाइम तक देगा, वो 1 आवर। अगर हमने बोला 5 एम्पियर आवर है, तो 5 एम्पियर करंट कितने टाइम तक, 1 आवर तक, ठीक है। और या फिर उसका हम वाइस वर्सा उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप देखो पहले यहाँ पर सेल का यूज करने का सही तरीका क्या है, जैसे किसी सेल की, किसी बैटरी की कैपेसिटी 1 एम्पियर आवर है, तो हम उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि उससे 1 एम्पियर करंट कितने टाइम तक ले लेंगे, 1 आवर। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम उससे 5 एम्पियर करंट, मतलब आधी करंट ले लें, है ना, तो फिर टाइम कितना हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। मतलब इधर से करंट कम ऑब्टेन करोगे, इधर से क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाए, ठीक है। मतलब फिर इसको हम क्या कर ले, फिर हाफ कर, है ना, मतलब कितनी करंट ले, 0.25 एम्पीयर, तो भी करंट टाइम कितना हो जाएगा, 4 आवर, ठीक है। मतलब जितनी करंट हम कम करके जाएंगे, जितनी करंट कम करेंगे, उतना ही टाइम तक वो क्या होगा, करंट दे पाए, मतलब सीधी तरीका है, ज्यादा टाइम तक क्या होगा, यूज कर सकते हैं उसको, है ना। तो हमारे पास जो सेल को यूज करने के क्या है, तरीके 2 हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ज्यादा करंट, है ना, कम टाइम तक ले ले, या फिर कम करंट ज्यादा टाइम तक ले सकते हैं, है ना। तो ज्यादा बेनिफिशियल तरीका कौन सा है ना, बेनिफिशियल तरीका ये वाला है, मतलब कम करंट, है ना, हम कम करंट ज्यादा टाइम तक लेना चाहिए, ठीक है। मतलब जितनी करंट हमको कभी कभी रिक्वायर्ड होगी उतनी तो हम लेंगे, लेकिन अगर हमको उतनी करंट की आवश्यकता नहीं है, कम करंट में हमारा काम हो सकता है, तो फिर बेटर तरीका है कि कम करंट ज्यादा टाइम तक ले, है ना। क्यों, क्योंकि अगर हम हेवी करंट लेंगे, है ना, हेवी करंट लेते हैं, तो हेवी करंट लेने से क्या होता है ना, सेल से या बैटरी से हेवी करंट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग करंट लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग करंट लेने से तो यहाँ पर आयंस मोशन करेंगे, यहाँ पर उतनी ज्यादा क्या बनेगी, बनेगी, मतलब वो गर्म ज्यादा होगा, गर्म ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें जो केमिकल है ना, उसका वेपराइजेशन होगा, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है लिक्विड फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोलाइट की क्या बढ़ती जाएगी, है ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा थीप होता जाएगा ना, मतलब उसमें वेपराइजेशन होगा, है ना, उसकी क्या कम होती जाएगी, क्वांटिटी कम होती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ता जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। हमने पढ़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता रहता है, किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना। और कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा। तो हम जैसे जैसे ज्यादा उसका हेवी कर लेंगे, हीट बनेगी, वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन से उसमें से वाटर की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, वेपराइज होती जाएगी, है ना। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट उसका क्या बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा,
कि पहले वो स्ट्रॉन्ग करंट दे पा रहा था, अब वो स्ट्रॉन्ग करंट नहीं दे पाएगा है ना। और फिर दूसरा लॉस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ज्यादा हीट बनेगी, मतलब सीधे कहें कि उसकी लाइफ टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा है ना, मतलब ड्यूरेशन कम हो जाएगी। तो बेहतर तरीका है सेल का यूज करने का कि कम करंट ज्यादा टाइम तक ली जाए है ना ऐसे। और हमने बोला यहाँ पर कि 5 एम्पियर आवर है, इसका मतलब क्या, या तो 5 एम्पियर करंट कितने टाइम तक, 1 आवर है ना, ऐसा नहीं कि 5 एम्पियर करंट 5 आवर तक, मतलब दोनों का इसका और इसका प्रोडक्ट कितना ही होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। तो 5 एम्पियर आवर का मतलब क्या है कि वो बैटरी या वो सेल 5 एम्पियर करंट कितने टाइम तक देगा, 1 आवर तक देगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 1 एम्पियर करंट कितने टाइम तक, 5 आवर तक दे सकता है ना। तो ठीक है, ये उसका मतलब है ठीक। तो अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, अब उसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं है ना, 1 एम्पियर आवर की। तो 1 AH लिख रहे हैं उसको सिंबल में है ना, मतलब कैपेसिटी किससे बताई जा रही है, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो फिर हम इसको चार्ज में कन्वर्ट करेंगे 1 एम्पियर आवर को। तो एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं है ना, एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की यूनिट है, करंट किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन टाइम के। तो एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, कोलाम है ना, कोलाम को लिख, एम्पियर को लिख सकते हैं कोलाम अपॉन में सेकेंड है, कोलाम पर सेकेंड, और आवर को भी सेकेंड में बदल दो तो कितना सेकेंड हो जाएगा, ये 3600 सेकेंड। ओके, ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो कितना आएगा, 1 एम्पियर आवर, 1 एम्पियर आवर कितना हो जाएगा, 3600 कोलाम। ओके, इसका मतलब कि अगर कोई बैटरी की कैपेसिटी 1 एम्पियर आवर है, तो इसका मतलब वो फुली चार्ज होने पर कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, 36 एम्पियर कोलाम चार्ज, मतलब 1 एम्पियर आवर कैसी कैपेसिटी है, बड़ी कैपेसिटी बोल सकते हैं इसमें ना, या फिर ठीक है इसकी एक और छोटी यूनिट है ना, ठीक है कैपेसिटी की एक अनदर यूनिट कॉल लिख देते हैं हम इसको जनरली, ठीक है मिली एम्पियर आवर, ठीक है मिली एम्पियर आवर सिंबल उसका होता है MAH, ठीक है। तो 1 MAH कितना आ जाएगा है ना, मिली मतलब क्या, 1 मिली मतलब 10 से पावर -3 है ना, कितना आ जाएगा, इसको भी इसमें निकाल रहे हैं हम, कूलाम में निकाल रहे हैं, चार्ज में निकाल रहे हैं। तो 1 मिली मतलब कितना, 10 से पावर -3। ओके, और एम्पियर आवर तो हम निकाल ही चुके हैं कूलाम में, तो कितना आ जाएगा ये, 3600 कूलाम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 MAH कितना आ जाएगा है ना, 3 पॉइंट मल्टीप्लाई करने 3.6 कूलाम आएगा। ओके, मतलब 1 MAH इतनी कैपेसिटी, ठीक है। 1 MAH, ये MAH देखा है कहीं पर लिखा हुआ, MAH कैपेसिटी है ना, वो देखा है हमने सबने देखा है कहाँ पर, मोबाइल की बैटरी पर है ना, बोलते तो है हम कितने थाउजेंड की, 5000 mAh की बैटरी है, ये बैटरी है वो बैटरी है ना, तो ये वही है उसकी, ये उसकी क्या उसकी है कैपेसिटी होती है ना। तो 5000 mAh मतलब कितना चार्ज आता है बस है ना, मतलब 1000 mAh निकाल, वो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, कोई इतना खास वो नहीं है, जैसे है ना कितना निकाल, 1000 हम मोबाइल की बैटरी की कैपेसिटी 1000, 5000, 6000 इसी में सुनते हैं है ना, तो 1000 mAh कितना आएगा, ठीक है वैसे है ना, उसको भी लिख देते ताकि इसको समझने में हमको आसानी रहेगी, ये सिर्फ एडिशनल है अपने समझने के लिए है ना, बाकी तो हमारी यूनिट यहीं पर खत्म हो जाती है उसकी, ठीक है। जैसे अगर हम क्या निकालना चाहें, 1000 mAh निकालना चाहें ना, ठीक है क्या हो जाएगा, 1 AH निकाल चुके हैं हम, 1 AH कितना, 3600 कूलाम, ठीक है। और फिर कितना, 1 mA, 1 MAH मतलब कितना है ना, मतलब अभी इसको ऐसे ही होगा ना, 1 मिली का मतलब कितना, 10 से पावर -3, और AH तो ये रहेगा 3600 कूलाम। ओके, अब यहाँ से देखो ये 1 मिली की बात हो रही है, कितने को निकाल दो, 1000 mAh, 1000 mAh मतलब है ना, 1000 mAh
देखो कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 का, और ये एम एच का 12 ही रहेगी, 10 की पावर -3 3600 बोला ओके। तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1000 mAh मतलब कितना ही, 1000 mAh मतलब कितना ही, 3600 बोला ओके। तो फिर अगर हमारी मोबाइल की बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, 5000 है ना, अगर हम है ना हम यूज करते हैं हम तो मोबाइल की डेली लाइफ में हम ये देखते भी हैं और ये टर्म्स का यूज भी करते हैं, तो अगर हमने बोला कि हमारे मोबाइल की बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, 5000 mAh है, तो इसका मतलब वो कितनी चार्ज स्टोर कर पाएगा, कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा, 1000 के लिए इतना है ना, तो उससे 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा 5 से मल्टीप्लाई सब करने के बाद 18000 आ जाएगा, 18000। तो मतलब अगर हम बोलते हैं कि हमारे मोबाइल की बैटरी की कैपेसिटी 5000 mAh है, मतलब कितना चार्ज स्टोर कर लेगा वो, 18000 तो चार्ज स्टोर कर लेगा, है ना। मतलब और इससे पहले जो हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने बोला था कि 1 कूलम्ब चार्ज बड़ा चार्ज है, उसको स्टोर करने के लिए है ना हमने कंडक्टर निकाला, तो मतलब कंडक्टर की कॉन्सेप्ट भी थी कि 1 कूलम्ब चार्ज को स्टोर करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा। हमने तब एक बात कही थी कि 1 कूलम्ब चार्ज को स्टोर करना, कंडक्टर को स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, हमने है ना हाँ हमने एक रेफरेंस दिया था कि कंडक्टर कितना बड़ा कंडक्टर चाहिए होगा हमको 1 कूलम्ब चार्ज स्टोर करने के लिए, 1 कूलम्ब चार्ज स्टोर करने के लिए जो कंडक्टर चाहिए होगा उसकी रेडियस 10 की पावर 9 है ना मीटर की होनी चाहिए, जो कि अर्थ की रेडियस से है ना, अर्थ की रेडियस से, अर्थ की रेडियस कितनी है, 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर होती है, मतलब अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर तो उसकी रेडियस, कंडक्टर की रेडियस अर्थ की रेडियस से कितने टाइम्स, 1000 टाइम ज्यादा होना चाहिए। तो हमने उस समय कहा था कि 1 कूलम्ब चार्ज को कंडक्टर को स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम कंडक्टर मतलब 1 कूलम्ब चार्ज को कभी स्टोर कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कहाँ कर सकते, मैंने इसीलिए पूछा है यहाँ पर। अभी तो हमने पढ़ा ना, ये हम बैटरी पढ़ रहे हैं ना, बैटरी में कितना चार्ज स्टोर कर रही है बैटरी, मतलब एक ठीक है 1000 mAh की बैटरी है, मतलब हम 1 कूलम्ब से कहीं ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ये ना एग्जांपल है हमारे साथ, ठीक है। मतलब वो बात मैंने क्यों निकाली, जनरली बच्चे या हमारे माइंड में ऐसा बढ़ जाता है कि 1 कूलम्ब बहुत बड़े चार्ज को कभी स्टोर नहीं किया जा सकता, ये बात सही है, लेकिन 1 कूलम्ब चार्ज को किस पर स्टोर कर नहीं सकते, कंडक्टर पर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि कंडक्टर पर चार्ज कहाँ पर फैल जाता है, पूरे सरफेस पे फैल जाता है, इसलिए कंडक्टर बहुत बड़ी साइज में चाहिए होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 1 कूलम्ब चार्ज को किसी और डिवाइस में स्टोर ही नहीं कर सकते, 1 कूलम्ब चार्ज को स्टोर किया जा सकता है ना। एक एग्जांपल हमारे सामने ही है, कौन है, किसमें स्टोर करते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइट में, बैटरी में स्टोर करते हैं ना, और 1 कूलम्ब से कहीं ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है ना ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया है ना उसकी कैपेसिटी। फिर नेक्स्ट एक चीज और आएगी मतलब सेल से रिलेटेड टर्म्स की इफिशियंसी, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ सेल, ठीक है। अब एफिशिएंसी ऑफ सेल तो क्या बताता है हमको, है ना, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं पहले, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, अगला है इफिशियंसी ऑफ सेल, है ना। मतलब इफिशियंसी वैसे हम जरूरी नहीं है कि
कि हम सेल की इफिशियंसी निकाली निकाल सकते हैं। इफिशियंसी को हर किसी मशीन की निकाली जा सकती है ना, किसी भी मशीन की निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो इफिशियंसी निकालने का, इफिशियंसी फाइंड करने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? इफिशियंसी फाइंड करने का बेसिक फॉर्मूला होता है, कैसे बनता है? ऑक्टेन अपॉन गिवन, है ना। मतलब हम किसी मशीन को यूज कर रहे हैं, है ना, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को यूज कर रहे हैं, तो हम उसको क्या देते हैं? एक तरह की एनर्जी लेनी पड़ती है और दूसरी तरह की एनर्जी हम उसको उससे क्या होती है? ऑक्टेन होती है। तो ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद रखें इफिशियंसी बनाने का, मतलब फिर आप किसी भी मशीन का, किसी भी डिवाइस का, है ना, क्या बना सकते हो? इफिशियंसी का फॉर्मूला बना सकते हो। इफिशियंसी मतलब क्या है? ऑक्टेन अपॉन गिवन का रेशियो। अब डिपेंड करेगा कि अगर हम किसी को मशीन को या तो एनर्जी देते हैं, है ना, और उससे फिर हमको क्या ही मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। या फिर हो सकता है कि हम उसको क्या दे रहे होंगे? वर्क दे रहे होंगे, और हमको उससे क्या ही मिलेगा? फिर वर्क ही मिलेगा। तो बस ऑक्टेन क्वांटिटी अपॉन गिवन क्वांटिटी, ये शॉर्ट में उसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। किसी भी, है ना, चीज की आप क्या बना सकते हो यहाँ पे, किसी भी मशीन की, है ना, क्या बना सकते हो? इफिशियंसी का फॉर्मूला बना सकते हो। तो इसी के बेसिस पे हमने इफिशियंसी ऑफ सेल का फॉर्मूला बनाया है। मतलब सेल को हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको देते हैं, है ना, और हमको उससे वापस भी क्या ही मिलती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी ही मिलती है। तो हम उसको, है ना, ऑप्टेन में भी क्या आएगा? एनर्जी ऑप्टेन बाय द सेल, है ना। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? कंप्लीट डिस्चार्ज, है ना, इफिशियंसी मतलब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी, और कंप्लीट चार्ज करने पर उसको कितनी एनर्जी दी गई थी, इसका रेशियो, है ना, क्या कहलाता है? इफिशियंसी ऑफ सेल। तो डेफिनेशन बनाना, या डेफिनेशन बना लेना, वैसे द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑब्टेन बाय द सेल इन कंप्लीट डिस्चार्जिंग टू द एनर्जी इंपार्टेड टू द सेल इन कंप्लीट चार्ज, ओके। और हमेशा याद रखते हैं इफिशियंसी को जनरली किसमें बताया जाता है? परसेंटेज में बताते हैं। तो परसेंटेज में बताने के लिए हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मतलब डेफिनेशन तो कोई खास नहीं है, डेफिनेशन आप बना लोगे, इसी को वर्ड में लिख दोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम दो सेल के नाम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इफिशियंसी, और इसको किससे डिनोट करते हैं? ईटा से डिनोट करते हैं जनरली, है ना, काय का साइन नहीं है, ईटा का, ओके, एन के जैसा रहता है ना, तो किससे डिनोट करते हैं उसको? ईटा से, है ना, ठीक। या जनरली आप इफिशियंसी भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, इफिशियंसी ऑफ, ठीक है, दो एग्जांपल ले रहे हैं हम, लैब एक्यूमुलेटर, है ना, लेड एक्यूमुलेटर सेल, ठीक है, लेड एक्यूमुलेटर सेल। तो ये मतलब इसका डिस्क्रिप्शन, इसका, है ना, ये हमारे डिस्कस सिलेबस में नहीं है अब, लेकिन ये आप कहाँ पर पढ़ते हो? केमिस्ट्री में है सेल के बारे में, है ना। कौन सा सेल है? सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल है, एसिडिक सेल भी इसको बोला जाता है। तो इफिशियंसी ऑफ लेड एक्यूमुलेटर, इसकी इफिशियंसी भी टिपिकली होती है 70% होती है, ठीक है, 70% होती है। मतलब पता था उसका कि 70% होने का मतलब क्या है ना। एक एग्जांपल और लिख देते हैं हम यहाँ पे पहले, इफिशियंसी ऑफ मीथेन सेल, ठीक है, इसकी इफिशियंसी होती है 50%, है ना। तब इफिशियंसी का मीनिंग देखो यहाँ पर, जैसे हमने बोला कि वैसे इफिशियंसी लिख रहे हैं, ओके, और इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्या? ऑक्टेन अपॉन गिवन, ओके, है ना, ऑक्टेन अपॉन गिवन। तो ऑक्टेन कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑप्टेन कितना आ जाएगा? इक्वल टू इफिशियंसी इनटू गिवन, ओके, ऐसा। तब ऑप्टेन एनर्जी मतलब ये ऑप्टेन वर्क एनर्जी जो भी होगी, इफिशियंसी अगर हमने कितनी ली थी? 70%। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि उससे जो भी आउटपुट मिलेगा वो इनपुट का, मतलब गिवन का कितना परसेंट होगा? 70% होगा। मतलब अगर, है ना, अगर हम सेल की इफिशियंसी बोल रहे हैं 70% है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको, सेल को पूरी तरह से चार्ज करते हैं, कंप्लीटली चार्ज कर रहे हैं, तो आउटपुट में वो हमको इतना एनर्जी नहीं देगा, इनपुट एनर्जी का सिर्फ कितना ही रिटर्न करेगा? 70%, और बाकी की एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। इसी तरह से लिफे सेल है ना, इसकी इफिशियंसी कितनी है? 50%। 50% होने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको फुली चार्ज करते हैं, है ना, चार्ज करने पर अगर हमने उसको 100 जूल एनर्जी दी होगी, तो वो रिटर्न में हमको 100 जूल एनर्जी वापस नहीं करेगा। कितनी करेगा? 50%, मतलब 50 जूल। तो ये हो गई उसकी इफिशियंसी, है ना। तो बैटरी अच्छी किस बात पे मानी जाती है? कैपेसिटी की इफिशियंसी,
बैटरी मतलब अच्छी बैटरी ये इस बेसिस पे मानी जाएगी, कोई भी मशीन को उसी के बेसिस पे एफिशिएंसी है ना। हाँ ये तो हम बोल सकते हैं बड़ी बैटरी छोटी बैटरी है ना, वो अच्छी और है ना, अच्छी बैटरी खराब बैटरी उससे डिसाइड होगा, बड़ी बैटरी और छोटी बैटरी इससे डिसाइड होगा। ओके,